उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने शराब माफियों पर कस दिया है शिकंजा। बहादुरगढ़ थाना इंचार्ज नीरज कुमार और उनकी टीम ने शराब की तस्करी करते हुए हरियाणा मार्ग की शराब की 200 पेटियां बरामद की हैं। आपको बता दें, इस दौरान एक ट्रक भी कब्जे में लिया गया है। दो शराब तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उपचुनाव नजदीक होने की वजह से जगह जगह अवैध शराब सप्लाई करने के लिए लाई जा रही थी। शराब मुखबिरी की सूचना पर पुलिस ने ट्रक को रंगे हाथों पकड़ लिया। 6 लाख रुपए के लगभग की बताई जा रही है अवैध हरियाणा मिस्टर इंडिया लेवल लगी हुई शराब की कीमत। कप्तान संजीव सुमन के निर्देश अनुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत ये बड़ी सफलता आखिरकार पुलिस के हाथ लगी है। थाना बहादुरगढ़ यशोद नीरज कुमार और उनके टीम द्वारा भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है तथा दो अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त का नाम है अशोक, दूसरे का है रामवीर। कुल 200 पेटी शराब की बरामदगी हुई है। इसमें जो खास बात यह है कि ये हरियाणा से शराब खरीदते थे रोमियो ब्रांड की, जो वहां पर 30 रुपए पौवा मिलती थी और यहां पर दूसरे जो यूपी में ब्रांड बिकता है मिस इंडिया, उस नाम से उसको बिक्री करते थे और बार कोड भी चेंज कर देते थे। यहां पर वो करीब 74 रुपए पौवा बिकते थे। कुल करीब 6 लाख रुपए के शराब इन लोगों ने पकड़ा है। इसके स्रोत के बारे में भी जानकारी कराई जा रही है और ये जो सप्लायर लोग हैं, किस किस को यहां पर सप्लाई कर रहे थे, उन्हें भी देखा जा रहा है। इस मामले में आप अवगत ही हैं कि एसपी महोदय द्वारा पंचायत का चुनाव दृष्टि रखते हुए सभी थानों को निर्देशित किया गया है और उसी क्रम में चेकिंग के दौरान ये गाड़ी पकड़ी गई है और भारी मात्रा में बरामदगी की गई है। जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, इनके विरुद्ध हम लोग अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में रजिस्टर अधिनियम के अंतर्गत ही कार्रवाई कराएंगे तथा जिनको भी ये सप्लाई करते थे उनका भी चिन्हांकन कर उनके विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी। जिस तरीके से मार्ग का चेंज कर रहे थे, कहीं पूछताछ में पता पड़ता है कि कभी शराब के ठेकों पर भी सप्लाई हो रही थी? इस बारे में इन लोगों ने अभी फिलहाल कुछ बताया नहीं है। अभी इनसे पुनः पूछताछ की जाएगी और अगर ऐसी कोई सूचना प्राप्त की जाती है तो उनके विरुद्ध भी संकट प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।